अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लेटेस्ट न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो, आपको इंशाल्लाह अपडेट मिलती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन खसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि सरमायाकारी के सिलसिले में माइक्रोसॉफ्ट के साथ बातचीत चल रही है। तफसीलात के मुताबिक ज़ुल्फ़िकार बुखारी ने कहा है कि बहुत जल्द टेक्नोलॉजी में बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है, इस सिलसिले में माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी बातचीत चल रही है। ज़ुल्फ़ी बुखारी का कहना था कि पाकिस्तान ऐसी जगह है जहां बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है। साबिक दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी गई लेकिन बेरोजगारी खत्म ना हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन खसूसी ने कहा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है, सिर्फ पुल बनाने से बेहतर है कि होमियो डिपार्टमेंट पर भरपूर तवज्जो मजकूरा की जाए। इन्होंने कहा है कि पीटीआई हुकूमत में सबसे ममालिक के अहम सरबराहान ने पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान सियाहत के लिहाज से माला माल मुल्क है, यहाँ सियाहत के बेहतरीन मौके फराहम हो सकते हैं। ज़ुल्फ़ी बुखारी का कहना था कि ऐसे ममालिक भी हैं जो डीजीपी का 10% सियाहत से कमाते हैं, ये एक अहम शेबा है, हमने भी सियाहत को फरोग देना है, हम सिविल सर्विस रिफॉर्म पर भी काम कर रहे हैं। याद रहे कि रवां साल के शुरू में दुनिया के अमीर तरीन शख्स तसव्वुर किए जाने वाले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बानी बिल गेट्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखकर पाकिस्तान में सरमायाकारी का इरादा जाहिर किया था। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।